आपने मिस्टर इंडिया और तहलका जैसी फिल्में तो देखी होंगी जिनमें विलेन अपने करीबी अधिकारियों को गद्दारी की सजा तड़फा तड़फा कर मौत देता था। हमारे पड़ोसी देश चीन में भी कुछ ऐसा ही होने लगा है, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। और इस रियल फिल्म के विलेन कौन है पता है आपको? वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। वेस्ट मीडिया में जिनपिंग और उनकी किलर ब्रिगेड के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। जानते हैं ये चेहरा किसका है? चीन के पूर्व विदेश मंत्री का, जिसे एक मशहूर टीवी एंकर से इश्क हो गया था। Stay curious, critical and humble. इश्क तो अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन इनका अंजाम बेहद खौफनाक रहा। अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा किया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू की हत्या हो चुकी है। इन दोनों को यातनाएं देकर जान से मार दिया गया और इन दोनों के मर्डर का ऑर्डर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया था। ये खबर जितनी सनसनीखेज है, कहानी उतनी ही पेचीदा। इसीलिए एक तानाशाह के खूनी इंतकाम की टाइमलाइन को समझना बेहद जरूरी है। किन गैंग दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक चीन के विदेश मंत्री रहे। कोरोना काल में जब चीन और अमेरिका के रिश्ते बद से बदतर होने लगे, जिनपिंग ने जुलाई 2021 में किन गैंग को अमेरिका में चीन का राजदूत बनाया। गैंग की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के मुरीद जिनपिंग भी थे, इसीलिए 25 जून को गैंग ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद खबर आई कि गैंग को उनके पद से हटा दिया गया है। किन गैंग के परकतरने के पीछे वजह बताई गई 40 साल की टीवी एंकर फू ज्योतियान। खबर वायरल हुई कि इस अफेयर की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की बदनामी हो रही थी, लेकिन वेस्ट मीडिया का दावा है कि ये सब कुछ सुनियोजित था, क्योंकि गैंग की मौत का फरमान लाल सुल्तान ने जारी कर दिया था। वॉशिंगटन की विश्व प्रसिद्ध मीडिया कंपनी पॉलिटिको ने टॉप चाइनीज सोर्सेस के हवाले से आशंका जताई है कि किन गैंग को टॉर्चर सेल में रखा गया, बर्बर तरीके से यातनाएं दी गईं और बीजिंग के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। गवर्नमेंट जो बताना चाहती है वही चीज बाहर आती है इस समय, और इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये सब जो है अपने एक तरह से एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। उनका सिस्टम ओपेक है, जिसमें अगर कोई भी जरा सा भी उनको लगता है कि वो CCP के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ या उनके खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो वो तुरंत गायब हो जाता है। किन गैंग की तरह ही चीन के एक और शक्तिशाली शख्स ली शांगफू पहले गायब हुए और अब वेस्ट मीडिया ने उनकी मौत पर भी मोहर लगाई है। ली शांगफू मार्च 2023 से अक्टूबर तक चीन के रक्षा मंत्री थे। एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं, चीन के शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में 31 साल तक काम कर चुके हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में इनकी काबिलियत को अमेरिका भी मानता है। यही वजह है कि जिनपिंग ने इन्हें PLA की स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स का डेप्यूटी कमांडर बनाया था। चीन के सीक्रेट स्पेस प्रोजेक्ट 921 को भी यही लीड कर रहे थे। 29 अगस्त 2023 के बाद से ली शांगफू की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, इसीलिए वेस्ट मीडिया के दावे पर बहुत से लोगों का शक यकीन में बदल रहा है। शी जिनपिंग के लिए अगला साल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इलेक्शन आ रहे हैं पार्टी के, तो उनमें उनको काफ़ी संभल के रहना है उनको, तो इस टाइम पर उनके लिए ख़ास तौर पर ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, चाहे वो बोलता है या नहीं बोलता है, लेकिन अगर उनको लगता है कि कोई भी पार्टी का आदमी या सरकार का मंत्री उनके खिलाफ काम कर रहा है या बोल रहा है, तो उसको निकालना है या ख़त्म करना है, किसी भी हालत में उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। अब सवाल है कि शी जिनपिंग ने अपने ही दो करीबियों का डेथ वारंट क्यों रिलीज किया? वो कौन सी वजह है जिसने जिनपिंग को स्टालिन और हिटलर जैसा खूनी तानाशाह बनने पर मजबूर कर दिया? खुलासा और भी चौंकाने वाला है। पॉलिटिको ने चीनी सूत्रों के आधार पर बताया है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जासूसी करने, जिनपिंग को धोखा देने और रक्षा घोटालों में लिप्त होने के सबूत मिले थे।
तो तीन चार चीज़ें हैं, जासूसी की वाली बात भी हो सकती है, वो शी जिनपिंग के खिलाफ हो ये बात भी हो सकती है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि वो जिस तरह से पार्टी से गायब हुए, पब्लिक लाइफ से गायब हुए, इतना शक जरूर जाता है कि ये उसमें शी जिनपिंग का हाथ जरूर रहा है। क्या वजह रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। चीन में पहले गायब होने की खबर आती है, फिर उस शख्स को पद से हटा दिया जाता है और फिर उसके मौत से जुड़ा खुलासा हो जाता है। विरोधियों को और कथित गद्दारों को ठिकाने लगाने का ये शी जिनपिंग का स्टाइल है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीते कुछ महीनों में जिनपिंग ने एक एक करके कई लोगों को खौफनाक मौत दी। सबसे बड़ा नाम उसमें किसका है? उसका नाम है कि ली केकियांग। ली केकियांग कौन थे? चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 2012 से 2022 तक वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर दो की हैसियत रखने वाले नेता थे। यानी जिनपिंग के बाद अगर चीन में कोई सबसे पावरफुल शख्स था तो वो थे ली केकियांग। 27 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए केकियांग को हार्ट अटैक आया और उनकी वही मौत हो गई। वेस्ट मीडिया को शक है कि उन्हें भी जिनपिंग की किलर ब्रिगेड ने ही मारा है। इसी साल 26 अप्रैल को चीन में एक और बड़े शख्स की रहस्यमयी मौत हुई। ये नाम था वांग शियोजुन। और ये कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे और 2015 में चीन की सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर थे। चीन में हर वीआईपी को यही ब्यूरो सिक्योरिटी देता है, यानी जितने भी बड़े लोग होते हैं। इनके बारे में खबर आई कि इलाज के दौरान गलत दवाई के इस्तेमाल से इनकी जान चली गई। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जुलाई के महीने में चीन में एक और कांड हो गया। चीन की सेना के रॉकेट फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी ली यू चाओ को गायब कर दिया गया। पता ही नहीं लगा वो कहां गए, वो गायब हो गए। ली लापता होना इसलिए शॉकिंग था क्योंकि चीन के पास जितनी विध्वंसक मिसाइलें हैं, जितने रॉकेट हैं, सबका सीक्रेट ली को पता था। इतना ही नहीं, ली के साथ चीन की रॉकेट फोर्स से जुड़े दो और बड़े अफसर वो भी गायब हो गए। एक का नाम था लियो ग्वांगविन और दूसरे का नाम था जैंग जैनजोंग। शी जिनपिंग के टॉर्चर सेल में कितने लोग हैं? कहां है ये टॉर्चर सेल? किस हाल में हैं वो लोग जिनको ये टॉर्चर करने के लिए रखा गया है? जिंदा हैं भी या नहीं, ये अभी रहस्य बना हुआ है। वेस्ट मीडिया को शक है कि इन लोगों ने चीन के मिसाइल सीक्रेट अमेरिका से शेयर किए हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा, जो भी खुलासे होंगे, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।